प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप। एंड जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की पत्रकार अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी, भारत की बेटी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। 88 मंदिर है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 1288 मंदिर पाकिस्तान में थी। आज सिर्फ 21 मंदिर पाकिस्तान में बची है। सारे मंदिरों को आप लोगों ने तोड़ करके वहां पर मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया, इमामबाड़ा बनाया। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को कि 1288 जिन मंदिरों में कभी हनुमान चालीसा के पाठ पढ़े जाते थे, जहां पर भगवद गीता के पाठ पढ़े जाते थे, जहां पर आरतियां उतारी जाती थी, जहां पर घंटियां बजाई जाती थी, जहां जिस मंदिर के चौखट को चूमते थे लोग और देवी देवताओं के चरणों पर फूल चढ़ाते थे लोग, जहां की दीवार दीवार चीख चीख करके उन पाठों को दोहराती है, क्या अल कुरान इस बात की इजाजत देता है कि जहां पर भी पूजा आराधना हो रही है वहां पर कुरान की आयत पढ़ी जा सकती है? आप कुरान उठाइए अल कुरान और आप खुद पढ़िए मायने से। अल कुरान इस बात की कभी इजाजत नहीं देता है कि कोई भी मुसलमान अपने अल कुरान की आयतों और सूरतों को उस जगह पर पढ़े जहां पर कभी भी किसी भी वक्त किसी भी लम्हे पर पूजा या आराधना हुई हो, वहां पर आयतें नहीं पढ़ी जा सकती है। पर पाकिस्तान क्योंकि बेशरम है, शर्म घोल करके पी चुका है। एक सवाल है मेरे माइंड में, अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट से पहले जितने भी पार्टीज आई इंडिया के अंदर, वो उन सब ने ऐसे एकदम आग क्यों नहीं लिए? उन्होंने कश्मीर के मंदिर, राम मंदिर या जितने भी मंदिर वगैरह थे उन पे ऐसे काम क्यों नहीं किया इतनी तेजी से? या फिर उन्होंने इस तरह की सोच क्यों नहीं उजागर की कि कश्मीर के अंदर जितने मंदिर हैं पुराने, उनको जो है वो मतलब दोबारा से रीओपन करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। इस चीज को लेते हुए पाकिस्तान के अंदर तो बच्चा बच्चा कहेगा कि भाई इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदुओं की जागीरी है और हिंदू जो है वो प्रमोट हो रहे हैं, या फिर बीजेपी वो एक शिद्दत पसंद है और वो हिंदुओं को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ऐसा तो ये पाकिस्तानी खुद कहेंगे फिर। लेट मी क्लियर वेरी लाउड एंड क्लियर एंड एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर। पाकिस्तान और पाकिस्तान क्या सोचता है हमारी जुत्ती को भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत के मुसलमान जिनका काफी जज्बाती रिश्ता पाकिस्तान से है, मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो तो मुसलमानों को दशा और दिशा दोनों अच्छी करने की कोशिश कर रही है। इवन मुसलमानों को ये बता रही है कि हम उम्मते रसूल हैं, हमको रसूल को फॉलो करना चाहिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमको फॉलो करना चाहिए। इब्राहिमिक फॉलोअर हम नहीं है, कभी भी नहीं है हम इब्राहिमिक फॉलोअर। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत के वो मुसलमान जो छाती पीट रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारे मंदिरों की फिर से प्राण प्रतिष्ठा कर रही है और जो मंदिरें मुगलों ने लूटी थी उसको जलाई थी, जो मंदिरों को दरहम बरहम किया था उसको दोबारा वो लोग रिकंस्ट्रक्शन करके उसको दोबारा प्राण प्रतिष्ठा में डाल रहे हैं, तो क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत पहले मस्जिद के लिए 25 एकड़ जमीन नहीं मिली थी? मिली तो थी ना। अब राम मंदिर सरकार के पैसे से तो नहीं बना ना, राम मंदिर तो सनातनी भाई और बहनों के, सनातनी परिवारों के चंदे से और डोनेशन से बना है। तो मुसलमान इतने कमजोर क्यों है? वो भी चंदा उठा ले और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बना ले, किसने रोक रखा है भाई? जिस तरह से भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका ने राम मंदिर को जगह दी, उससे कहीं ज्यादा डबल ट्रिपल गुना बड़ी जगह, 25 एकड़ की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को मिली। आपने बाबरी मस्जिद दोबारा उसका नाम नहीं रखा, भाई ये आपकी मर्जी थी, आपने क्यों नहीं रखा? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बाबरी मस्जिद के एवज में आपको 25 एकड़ जमीन मिली थी पर आपने उसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं रख करके आपने उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रख दी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुसलमानों को भी पूछना चाहिए, जो काबिल जो पढ़े लिखे मुसलमान है उनको भी पूछना चाहिए। अब आती है बात कि जो जितना टाइम राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनाने में लगा उतना ही टाइम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद को भी मिली, तो उस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की इफ्तिताह क्यों नहीं हुई?
आपको आपको कर लेना चाहिए था भाई। मैं तो एक सजेशन भी दे सकती हूँ कि अवेसी और इमाम बुखारी अगर ये दो लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी सी 25% प्रॉपर्टी अगर बेच दे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद तो भाई साहब मतलब मैं तो तुमको ये कह सकती हूँ कि दुबई और अबू धाबी और अरब के कुछ मस्जिदों के बराबर वो मस्जिद खड़ी हो जाएगी। इतनी खूबसूरत मस्जिद खड़ी हो जाएगी अल्लाह का घर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद जिसमें हमारे प्रॉफिट मोहम्मद और उनके वालिद साहब दोनों है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद खड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अवेसी है, तौकीर है, बुखारी है, ये लोग सिर्फ अपना नाम रोशन कर रहे हैं और भारत से कमा रहे हैं, इन दीन में इनको अपने पैसे नहीं लगाने हैं। भाई शुरुआत तो अवेसी करे, शुरुआत अवेसी करे, इमाम बुखारी करे, मेरे पास आए, मुझे बुलाए, मैं भी कुछ डोनेट करना चाहूंगी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के लिए। मेरी जितनी भी हस्बैंड लियाकत है मैं उस लियाकत के हिसाब से डोनेट करना चाहूंगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बहुत परिश्रम किया है भाई। हम मुसलमानों को राह दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी के नेतृत्व ने हम मुसलमानों को राह दिखाया है कि हमें इब्राहिमिक फॉलोअर नहीं बनना है, हमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर बनना है। अरे बुतों को कौन तोड़ रहा था? अल कुरान में क्या लिखा हुआ है? बुतों को तोड़ने वाले हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था अल कुरान में कि हमें हिंद की खुशबू अच्छी लगती है, हिंद से आई हुई हवा मेरे शरीर में बहुत मिठास पैदा करती है, मेरे जज्बात में, मेरे एहसास में बहुत मिठास पैदा करती है। तो आप तो मंदिर के खिलाफ, जो मुसलमान भारत के मंदिर के खिलाफ है या जो पाकिस्तान के मुसलमान मंदिरों के खिलाफ है या हिंदुस्तान के खिलाफ है, अरे हिंदुओं के खिलाफ तो इब्राहिम अलैहि सलाम थे, प्रॉफिट मोहम्मद तो कभी नहीं थे। हमारा कुरान कहता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। मतलब भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान वो इब्राहिमिक फॉलोअर हो गए हैं। जिस जिसने हिंदू धर्म के को ठेस पहुंचाई है और आघात पहुंचाने की कोशिश की है वो बर्बाद हुआ है। और अल कुरान इस बात की गवाह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत बाद में पैगंबर आए पर उनको ही अल्लाह ने घोषित किया पहला और आखिरी पैगंबर, नबूवत भी उनको दिया और आज उम्मत भी हम उनके बनकर रहे हैं और बहुत कम जिक्र हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का अल कुरान में है। अब आती है बात पाकिस्तान, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, अरब, जिस जिसने भी हिंदू धर्म को आघात पहुंचाने की कोशिश की है, ठेस पहुंचाने की कोशिश की है वो बर्बाद हुए हैं, वो खत्म हुए हैं, उनकी उनका देश कब्रिस्तान बना है। जैसे अभी पाकिस्तान कब्रिस्तान बनने के कागार में है, भिकमंगे तो आप हो ही चुके हैं, बिजली आपके यहाँ रहती नहीं है। कल डॉक्टर इरशाद के साथ मैं बैठी हुई थी टाइम्स नाउ पे, वो पसीना पोंछ रहे थे तो मुझे पूछना पड़ा कि बिजली नहीं है क्या आपके यहाँ, बहुत इज्जत अफजाई करने के लिए, ताकि जितनी भी ठेस और जितने भी लॉस हुए हैं उसको भरपाई करने के लिए। अरब ने तो 27 एकड़ की भव्य मंदिर ही बना डाली। कल तक हिंदू धर्म को मलाइन किया करता था अरब, और आज देखिए कि 27 एकड़ की भव्य मंदिर ही बन गई और प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी के हाथों हो गया। ईरान ने तो भारत के लिए वीजा ही फ्री कर दिया, खतर ने तो भारत के लिए वीजा ही फ्री कर दिया, अफगानिस्तान ऐसा है जो भारत के साथ इतना ज्यादा अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता है कि भाई वो कहता है कि भारत की सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार और भारत की मानवता हमें सीखनी चाहिए, ये अफगानिस्तान कह रहा है। अब आप बोलिए, इंडोनेशिया है जो मुस्लिम कंट्री है वो रोज गाना गाता है कि हम तो भगवान राम के पूर्वज में से आते हैं, उनकी करेंसी में भी गणेश भगवान जी की तस्वीर लगी हुई है। अब आप सोचिए, अब देखिए बांग्लादेश जो मुस्लिम कंट्री है, खुद शेख हसीना उतर करके कहती है कि भारत को बुरा मत बोलना, भारत को बुरा बोलोगे तो तुम्हारी बहू बेटियों की साड़ी जला देंगे हम। तो जो सत्य था, जो सच्चाई थी, जो अरबों खरबों बरस से सदियों से जो सच्चाई थी वो रह गई। आज देखिए मुसलमानों को हर एक देश से जलील करके भगाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि अरब ने फिर आपको फटकार लगाई है, फिर आपको झाड़ लगाई है कि आप और कितनी बदतमीजी कीजिएगा, है ना, रोइए। अभी 2 दिन पहले की बात है कि अरब फिर बोला है कि भाई तुम लोग फिर टूरिस्ट वीजा लेकर के यहाँ पर आ जा रहे हो चकली बेचने के लिए, पापड़ बेचने के लिए और भीख मांगने के लिए। तो इन क्रक्स मैं आपको ये बता देती हूँ, हमारे जितने भी मतलब अभी जो कॉन्वर्सेशन हुआ है या कन्फ्रंटेशन हुआ है उसके क्रक्स में एक ही बात है कि अनंतनाग सूर्य मंदिर थी, है और रहेगी। और भारत में इवन पीओके में, इवन पाकिस्तान में जितनी भी मंदिरें तोड़ी गई हैं
और जितने भी मंदिरों को आघात और ठेस पहुंचाया गया है मुसलमानों के द्वारा, अकबर से लेकर के शामीरी से लेकर के इब्राहिम से लेकर के, वो सारा सूद समेत वापस लिया जाएगा। आस्था की जगह है, विश्वास की जगह है, ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। और मैं अपने आप को भारत की पुत्री ही कहती हूँ, इसलिए मैं अपने सनातनी धर्म वालों के साथ ही खड़ी रहूंगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िर अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िर अली खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि मजहब के ठेकेदारों को भी उधेड़ के रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।